पति की प्रताड़ना से त्रस्त पत्नी ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ अपने ही पति की हत्या करने का हैरतअंगेज मामला पारडी पुलिस थाना अंतर्गत सामने आया है। पहले तो पत्नी ने अपने पति की आत्महत्या का ढोंग रचा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर यह घटना आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या होने की पुष्टि हुई है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार किया है, वहीं आगे की जांच जारी है। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मनोहर कोटनाके ने अधिक जानकारी साझा की। चरित्र पर संदेह कर मृतक धर्मेंद्र अपनी पत्नी को आए दिन प्रताड़ित करता था। उस पर किसी और के साथ संबंध होने का आरोप लगाकर मारपीट करता था। रोज रोज की प्रताड़ना से तंग आकर पत्नी ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ मिलकर धर्मेंद्र को गला घोटकर मार डाला। पति द्वारा आत्महत्या किए जाने का नाटक रचा, लेकिन पुलिस को संदेह हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा हो गया और पुलिस ने माँ बेटी 44 वर्षीय गया को हिरासत में ले लिया। धर्मेंद्र ट्रक चालक था। 18 वर्ष पहले उसका विवाह हुआ था। उन्हें 3 बच्चे भी है। सबसे बड़ी बेटी 17 वर्ष की है। धर्मेंद्र ट्रिप के चलते अक्सर घर से बाहर रहता था। उसे पत्नी पर संदेह था कि उसके किसी के साथ अनैतिक संबंध है, इसे लेकर उसके साथ मारपीट करता था। उसे परिवार की हर गतिविधि का पता चल सके, इसलिए घर में CCTV कैमरा भी लगा दिया था। इस वजह से दोनों में कई बार विवाद भी हुआ। 11 अप्रैल की शाम भी उसने पत्नी के साथ मारपीट की। तंग आकर पत्नी ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ मिलकर धर्मेंद्र को मारने का प्लान बनाया। रात में सोते समय माँ बेटी ने मिलकर ओढ़नी से धर्मेंद्र को गला घोटकर मार डाला। इसके बाद पत्नी ने अपने भाई को फोन किया और धर्मेंद्र द्वारा पंखे से लटक कर आत्महत्या किए जाने की जानकारी दी। पारडी पुलिस भी मौके पर पहुंची। दिनांक 11/4/2022 रोजी नागेश्वर नगर बी मध्ये राहणारे धर्मेंद्र गजबिये वय 42 वर्ष यांनी गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याबाबत त्याची पत्नी निशा गजबिये यांनी पोलीस स्टेशनला येऊन रिपोर्ट दिली। त्यानंतर नाईट ऑफिसर PSI मिश्रा आणि आम्ही स्वतः स्पॉट व्हिजिट केल्यानंतर जे घटनास्थळ आम्ही बघितलं त्यामध्ये खूप संशयास्पद होता घटनास्थळ। ज्या ठिकाणी जे पंख्याला गळफास घेतला त्या पंखा जसाच्या तसा होता, धूळ बसलेली होती आणि ज्या खुर्चीद्वारे तो वर चढला ते खुर्ची पण तिथपर्यंत हाईट जात नव्हती, एकंदरीत सगळ्या संशयास्पद हालचाली होत्या। त्यानंतर पोस्टमार्टममध्ये सुद्धा आम्ही डॉक्टरांना विचारपूस केली, त्याच्यात सुद्धा संशय आढळून आला। त्यामुळे आम्ही त्याची जी पत्नी आहे तिला सखोल विचारपूस केला, तसेच मृतकच्या 2 लहान मुली आहेत यांना विश्वासात घेऊन विचारपूस केला। तसेच या जे ज्या धर्मेंद्र गजबियेचे जे भाऊ आहेत भंडारा जिल्ह्यामध्ये व त्याचे वडील त्यांना पण विचारपूस केला, तर त्यांनी या ज्या ज्या 2 मुली आहेत मृतकच्या या मुलींनी सांगितले की रात्रो आई आणि बाबाचा खूप झगडा झाला होता आणि हे जे मृतक आहेत धर्मेंद्र गजबिये हे या ज्या पत्नीचे कुठेतरी अनैतिक संबंध आहेत यावरून 2 महिन्यापासून तो कामावर जात नव्हता आणि घरीच राहत होता आणि यांचे वारंवार भांडणं होत होते, त्यामुळे अधिक संशय बळावला। आणि मुलींनी सुद्धा सांगितले की 11 तारखेच्या रात्रो झगडा आई व बाबाचा झगडा झाला आणि आई आणि आमच्या मोठ्या ताईने त्याचा गळा आवळून दुपट्ट्याने गळा आवळून ठार मारलेले आहे। तसेच भावाचे बयानसुद्धा भावांनीसुद्धा सांगितले की आमच्या भावाला त्याच्या पत्नीकडून जीवाला धोका होता। सखोल विचारपूस अंती त्याच्या पत्नीने कबूल केले की आम्ही 11 तारखेच्या रात्रो भांडण झाल्यानंतर माझी मोठी मुलगी आणि हिने त्याचा गळा आवळून ठार मारला दुपट्ट्याने आणि पोलिसांना खोटी माहिती दिली आहे। त्यानंतर आम्ही जे निशा गजबी आहे आणि तिची मोठी अल्पवयीन मुलगी आहे तिच्याविरुद्ध कलम 302/1 भादवी अन्वये गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि जी निशा गजबीला आम्ही अटक केलेला आहे, अल्पवयीन मुलगी आहे तिला पण आम्ही ताब्यात घेतलेला आहे आणि सदर गुन्ह्याचा तपास PSI रणदिवे करीत असून अजून सदर गुन्ह्यासंबंधाने सखोल तपास सुरू आहे आमचा। सर, यांची काही जुनी काही क्राईम हिस्ट्री वगैरे असं काही नाही? अशी कोणत्याही प्रकारची त्यांची क्राईम हिस्ट्री नाही, परंतु हिचे अनैतिक संबंध आहेत या संशयावरून जो मृतक आहे तो नेहमी हिच्यासोबत भांडण होता, भांडण नेहमी भांडाभांडी सुरू होती यांची। पुलिस ने पंखे की जांच की तो उसमें धूल जमा हुई थी। ओढ़नी बांधने पर धूल क्यों नहीं हटी यह सवाल था, जिसके चलते पुलिस ने इस मामले में तफ्तीश से खोजबीन की और आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। रोशन बोकड़े के साथ दिशा हटवार, VKB न्यूज। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए।
जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD College Square, beside Karnataka Bank, Nagpur।